नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 सितंबर 2021। दोस्तों, आज के विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कोरिएंडर पर, धनिया पर। क्या संभावना बनेगी? गौरतलब है कि धनिया वो मसालों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर आमो खास की ज़रूरत है, और इसके जो उत्पादक देश हैं वो रशिया, यूक्रेन, बल्गारिया, सीरिया, भारत, ये प्रमुख देश हैं जो कि धनिया का बड़ा उत्पादन करते हैं। यदि हम भारत की तरफ देखें, कुछ ऐतिहासिक आंकड़े देखें, तो 2016 से 2019-20 तक धनिया ने बहुत परेशान हैरान करके रखा धनिया के किसानों को और धनिया के कारोबारियों को, क्योंकि इसके भाव बहुत परेशान किए। लेकिन अब धनिया के अंदर बड़ी सुबगाहट हो रही है कि धनिया के अंदर क्या संभावना बन रही है, कोरिएंडर में क्या संभावना बनेगी, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि धनिया के अंदर जो कोरिएंडर है इसके अंदर डिमांड कितनी है। जहाँ तक डिमांड का सवाल है, चालू वर्ष में लगभग 1,30,00,000 बोरी की धनिया की साल के अंदर डिमांड की अनुमान लगाया जा रहा है, और उत्पादन लगभग 90,00,000 बोरी का धनिया का उत्पादन है। तो लगभग 40,00,000 बोरी डेफिशिएट है या कमी धनिया के अंदर है, और यदि पिछला मौजूदा स्टॉक भी देखें तो लगभग 15,00,000 बोरी का मौजूदा स्टॉक बताया जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले साल का। तो यानी लगभग 40 में से यदि 15 घटा दिए जाएँ तो 25,00,000 बोरी की फिर भी शॉर्टेज है जो कि हमें आयात करना पड़ सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि गुजरात में लगभग 6 से 7 लाख बोरी धनिया की मौजूद है, और बाकी दूसरे इलाकों में, दूसरे प्रदेशों में है। लगभग 1.5 लाख यानी 1.5 लाख टन धनिया का इम्पोर्ट किया गया है रशिया से, जो कि लगभग नवम्बर माह के किसी भी समय भारत आ सकता है। उसमें भाड़ा जोड़ लीजिए और फिर इम्पोर्ट ड्यूटी जोड़िए, उसके बाद इसकी भाव कैलकुलेट होना चाहिए। रशियन धनिया जो है लगभग 770 से $785 प्रति टन पे सौदों का अनुमान लगाया है। इस पर भाड़ा और इम्पोर्ट ड्यूटी अपने को जोड़नी पड़ेगी। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी नज़र रखें तो इस साल सीरिया में सिर्फ 30% ही धनिया का उत्पादन है, 70% का वहाँ पे डेफिशिएट का अनुमान लगाया जा रहा है, सूचना मिल रही है। रशिया और यूक्रेन में धनिया की बहुत बढ़िया अच्छी फसल है, सामान्य से अच्छी फसल बताया जा रहा है, और स्पेन में तो सिर्फ 2000 टन धनिया का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हम धनिया का भाव यदि हम देखें तो वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग कैलकुलेट कर पाएँ। भारतीय धनिया लगभग $1,100 का भाव माना जाता है, बल्गारिया का $1,125, रशियन धनिया थोड़ा सस्ता है लगभग $860, और यूक्रेन का धनिया लगभग $900 प्रति टन का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में। ये थोड़ा वेरी करता रहा है ऊपर नीचे, लेकिन औसत भाव यही बताया जा रहा है। यदि हम धनिया के पर और थोड़ी और इसमें हाइलाइट्स करें तो एक्सपोर्ट भी कभी कभी हम लोग करते हैं। अब देखें, यदि 2019-20 में लगभग 47,000 टन धनिया का एक्सपोर्ट किया गया था, जो कि 2021 में 57,000 टन धनिया का एक्सपोर्ट भारत से किया गया था। और जहां तक इस अब सवाल ये है, क्या इस साल भारत धनिया का एक्सपोर्ट करेगा, ये एक प्रश्न है, क्योंकि डिमांड है 1,30,00,000 बोरी की, उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है 90,00,000, और 15,00,000 बोरी कैरी फॉरवर्ड है, तो भी 25,00,000 बोरी की डेफिशिएट है। तो इस साल इसको देखते हुए करीबन 1.5 लाख टन तो धनिया का आयात इंपोर्ट हो गया है, आयात किया गया है, लेकिन आगे भी इंपोर्ट होने की पूरी पूरी संभावनाएँ बन सकती हैं। भारत का जो निर्यात है वो सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश या जैसे देशों में होता है। कुल मिला के इन जो गृह स्थिति बन रही है, जो पूरी स्थिति है, और इसको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी हम देखें तो इस साल
शनि और देवगुरु बृहस्पति का कंजंक्शन मकर राशि में बनेगा और ये शुभ संकेत है धनिया के भावों के लिए, तेजी दिखा सकता है। और दिवाली तक तो मुझे लगता है कि 8 नवंबर तक इसके भाव धनिया के जो है वो 9000 और 9500 तक के जाने का अनुमान लगाया जा सकता है। धनिया का ये एक अनुमान है, तो जो भी धनिया के व्यापारी हैं या किसान बंधु हैं जिन्होंने स्टॉक्स बना रखा है, इस पे आप नज़र रखिए। पिछले लगभग 2 से 3 महीने धनिया के बहुत अच्छे नहीं रहे, बहुत नीचे गिरावट हुई और काफ़ी जो कमज़ोर लोग थे या जिन्होंने खतरा नहीं उठाना चाह रहे थे उन्होंने काफ़ी माल धनिया का छोड़ भी दिया है। लेकिन जो मजबूत व्यापारी हैं जो ग्राउंड स्थिति के ऊपर और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या दूसरी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस का पे ध्यान रखते हैं उन्होंने बड़ी संख्या के अंदर धनिया को रोक भी रखा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्पाइसेस की ये है। और दोस्तों हम लगातार आपको धनिया हो चाहे जीरा चाहे गवार सीड हो या प्याज, इन सभी पर आपके विशेष एपिसोड लेके आते हैं। लाल मिर्च हो या फिर काली मिर्च, इन सभी पे हम लोग स्पेशल एपिसोड लेके आते हैं। आपको यदि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता हो, हमारी सूचनाएं आपके लिए उपयोगी हों, तो आप इस प्रोग्राम को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को आप अपने इष्ट मित्रों तक अवश्य भेजें। और हमारी पेड सर्विसेज चाहे गवार सीड हो, जीरा, धनिया या फिर कैस्टर्ड सीड, इन सभी पर भुगतान करने पर विशेष रिपोर्ट भी उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।